नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ओलीडी में छठ पूजा मनाने गए परिवार के घर में लाखों की चोरी। वहीं जुगसलाई के एक घर से चोरों ने 1 लाख रुपए नगद समेत 10 लाख के गहने ले उड़े चोर। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा का हुआ समापन। बिरसा नगर में आपसी विवाद में हुई जमकर मारपीट, 3 घायल एमजीएम में भर्ती। और डकैती की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने निकोपार के पार्किंग से किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल, 1 बोलेरो, मोबाइल समेत 2 पुलिस की वर्दी जब्त। खबरें विस्तार से। ओलीडी थाना स्थित शंकोशाही महावीर कॉलोनी में चोरों का तांडव। छठ पूजा मनाने गए परिवार के घर में लाखों की चोरी, दूसरे घर में चोरी का प्रयास असफल। ओलीडी थाना स्थित शंकोशाही महावीर कॉलोनी में चोर गिरोह ने कमला देवी के मकान का ताला तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के गहने और नगद राशि लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज छठ पूजा था कल, तो आज हम लोग सुबह में गए थे, घाट पे गए थे, फिर हम लोग गेट में ताला भी लगाए, अंदर भी ताला लगाए थे। आदमी गाँव में वहाँ छठ के लिए चोरी की वजह से गहना पहन के नहीं गए कि चलो वहाँ चोरी हो जाएगा, घर में रख के गए। पता ना आए तो गेट खुला है, पूरा ताला टूटा है, गोदरेज खुला है, ये गोदरेज खुला है, पूरा गहना बिखरा हुआ है, पॉकेट सब बिखरा हुआ है, पैसा जो पन्नी में था वो बिखरा हुआ है। कितने बजे निकले थे आप लोग? हम लोग 4:30 में निकले थे, सारा सामान वहाँ बेच के पड़ा हुआ था। क्या क्या आपका था जेवर में? 4 थान कान का था, 3 जोड़ी पायल था, 15,000 रुपया था, चैन था, मेरे हस्बैंड का था 8 अंगूठी और चैन था, उनका भी पैसा था इसमें। कितना का चोरी बता रही हैं? लगभग 8 से 10। हाँ, कितना होगा? 8-10 लाख, 8-10 लाख का चोरी हुआ। गहना टोटल था 1,45,000 रुपया उनका था, लेबर हाँ लेबर पेमेंट के लिए रखे थे, 45,000 रुपया इनका था, 15,000 रुपया मेरा इसमें था। मोबाइल फोन भी दिया, मोबाइल इनका और मम्मी का, मेरा गेट में जब ताला नहीं देखे कि मेरा ताला नहीं है, तो हमको लगा उसी जगह जा मेरा सब चल गया, वो गेटे पर हम बोल रहे मेरा सब चल गया, अंदर भी नहीं ठुके थे हम, अपने भी बोल रहे कि मेरा सब चल गया, अपने हम बोल रहे हैं अपना मकान है, मेरा सब चल गया, यही बोल के बोले कि सब चल गया। चोरी तो मेरा 8-10 लाख के बेसी हो गया बाबू, इसे क्या कहे, गहना तो बहुत था बाबू, अभी हाल में गहना बनाए हैं बहू के देने के लिए, वो बहू के 4 साल हुआ ब्याह किए तो उसका गहना सब था, मेरा तो अलग था सर, मेरा तो 3 अंगूठी था, एक मेरा पापा के 3 अंगूठी मेरा एक्स्ट्रा, एक मेरा पापा के 3 अंगूठी मेरा, एक मेरा पापा के झुमका मेरा था, एक और छोटी वाली बेटी के गहना रखे थे उसका भी कल सहारे परसों बैठ के उसको भी मेरे को दी थी, मेरे भाग में सब चल गया। वहीं चोर गिरोह ने महावीर कॉलोनी में ही एक और बंद घर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर गिरोह का प्रयास असफल रहा। सूचना गए कि छठ व्रत के लिए गए थे ससुराल गृह को, तो पता चला कि तालाब का घर का टूटा हुआ है, तो आके देखे तो अंदर सब ठीक था, फ्रंट के दरवाजा खुला हुआ टूटा हुआ था, मतलब मेन दरवाजा ताला टूटा, हाँ मेन गेट का, अंदर का सही था, नहीं हो पाया, नहीं खोल नहीं पाया, नहीं, लेकिन बगल का चोरी पूरा घर के निकाल लिया, पड़ोसी में चोरी, बगल में पड़ोसी घर में हुआ, हमारा अपोजिट साइड में। जमशेदपुर में बीते दिनों एसएसपी किशोर कौशल ने छठ पूजा के दौरान चोरी रोकने के लिए टाइगर मोबाइल के एक टीम का गठन किया था। एसएसपी के टीम की गश्ती धरी की धरी रह गई और चोर अपना काम कर चलते बने। मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके बाटा चौक के पास का है, जहाँ चोरों ने अनिल अग्रवाल के घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त अनिल अपनी माता के साथ छठ पूजा मनाने आदित्यपुर घाट गए थे। अनिल के घर पर ही आटा चक्की है। अनिल ने बताया कि जब वह पूजा से वापस घर लौटे तो खुद दुकान में रुक गए, जबकि माता को ऊपर भेज दिया। उसकी माता जब ऊपर गई तो पाया कि कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है। चोरों ने 2 कमरों में रखे अलमीरा से चोरी की। अनिल के अनुसार चोरों ने घर पर रखे 1 लाख रुपये नगद समेत 10 लाख के गहनों की चोरी की है। घर के परिवार के सारे लोग गए हुए थे छठ पूजा करने के लिए घाट पर। कौन सी घाट पर गए थे? वो लोग गए थे महाकालेश्वर घाट, और उस दौरान 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में चोरी हुई है, और पूरा लॉकर का ताला और उनका जो गोदरेज वगैरह था उसका ताला तोड़ करके
और जितना भी महिलाओं का आभूषण था, जितना भी नकदी रखा हुआ था, सब कुछ जो है वहाँ से चोरी कर लिया गया। कुछ कुछ फुटेज पुलिस को मिली है। इधर उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। चार दिनों तक चलने वाले छठ पूजा का समापन हुआ। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए विभिन्न घाटों पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से लोग शहर में बड़ौदा घाट, महाकालेश्वर घाट, आदित्यपुर, मानगो, सोनरेखा नदी सहित कई घाटों पर पहुंचे और पूरे धार्मिक विधि विधान से छठ माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान भास्कर के उदयमान होते ही छठ व्रतियों ने अर्घ दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। घाटों पर जिला प्रशासन एवं स्थानीय समितियों द्वारा वॉच टावर, चेंजिंग रूम सहित अन्य कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। छठ व्रतियों को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर स्थानीय थाना सहित SSB जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। घाटों को आकर्षक रोशनी एवं बैनर पोस्टर से सजाया गया था। यही है कि हम लोग छठ माँ को बहुत विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं और हम जो मांगते हैं फल, वो फल मिलता है। जो हमारा फल नहीं है वो मांगते हैं, वो छठी माई हमारा फल देते हैं, पूरा करते हैं। वहीं बिरसा नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए MGM में भर्ती कराया गया। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में जमकर मारपीट मामले में 1 महिला समेत 2 पुरुष घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया। कौन मारा आप लोग को? मेरा बेटा का ससुर का भाई, तीनों भाई, मामा और उसकी वाइफ। वजह पता नहीं है सर, कुछ भी समझ में हम लोग को नहीं आ रहा। हम लोग खुद समझ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात है। आपका बेटा का ससुर लोग, बेटा का ससुर हम लोग को पहले फ़ोन करके बुलाया, उसका गाली दिया। मतलब क्यों गाली दे रहा भाई, क्या हो गया? उसका भाई हमेशा अक्सर परेशान करता है मेरी वाइफ को। अच्छा। तो हम फिर की तरह वाइफ समदीन जी जिस दिन पकड़ेंगे ऐसे से गंदा सब बोलता है तो उसको बहुत डांटे। हम लोग बोले जो करता छलकानी रोहित शाह, वो कौन है? अजय शाह का भाई, मेरे समधी का भाई। मतलब टॉर्चर परेशान करता है। तो हम लोग सुबह से फ़ोन किया, बहुत गंदा गाली मेरे मोबाइल में देने लगा। उसके नंबर से फ़ोन आया तो मेरी माइक उठा ली, बोलती कि तुम गंदा सब बोल के उसको बुलाया। हम लोग बोलेंगे चलो आज चली देते। हम लोग चारों, मेरी बहन, मेरा बेटा, हम वाइफ, चार दो बाइक में हम लोग गए उसके पास। जब गए तो मैं जैसे वाइफ अंदर खोली घर है और उसे पकड़ लिया, रोहित ये छुड़ाखानी की तो तुम छिड़कानी करेगी, मेरा भतीजी को तुम परेशान करेगी, तुम लोग परेशान करेगा, ऐसा केस डलवा देंगे। कोई थाना पुलिस मेरा मेरे सामने नहीं है, इतना मर्डर हम कर चुके, तुम लोगों तो आज से तुम लोग उल्टा दिन चालू हो गया। ये रोहित सुबला और फिर अवधेश को बोले, हम लोग क्या हो रहा भैया? बोलता है कि अब आप लोग का हसर स्टार्ट हो गया है मेरा भाई कितना किया, अब आप लोग का 3 तो आर्फ करेगा। सर कुछ दिन से जो घर जब से बेचे हैं सर, तब से वो हमेशा टॉर्चर करता है। बहू बोलती है कि पिताजी को, बहू की माँ लोग बोलती है कि बोलो 15-20 लाख रुपया देगा, घर बना रहे वेस्टर का, तुम लोग आती हो कैसा लगता हम लोग को, इंसल्ट लगता है। हम अपना घर बेच दिए कि बगल में हमेशा इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया था, बगल वाला ही घर से शादी हो गया, 1 साल लगभग सर हुआ है। हाँ घर वहाँ बाईडी में घर था, बगल अगल घर है। 2 साल हो गया सर, लव मैरिज किया है सर, लव मैरिज कर लिया हम, फिर भी कुछ नहीं लिए, हम स्वीकार कर लिए, मेरी बेटी से जैसी है सर बहू। बहू से हमको कोई शिकायत हमको अभी तक नहीं पता चला कि वो सामने में नहीं, उसको सामने नहीं आने दिया जा रहा। कारण क्या लग रहा है घर बेचने? घर पैसा के लिए सर, पैसा के लिए, पैसा वो चाहिए, पिताजी को 15 लाख रुपया दिलाओ। किसको बोलता है? बहू बोलती है मेरा बेटा को। अच्छा, बोलती है, मारी भी 1-2 झापड़ बहू। हाँ बोल नहीं सकता है, ससुर को लोग मदद नहीं करता है, पैसा का मांग कर रहा। तो हम फिर बोले, फिर बेटा फिर अभी पैसा मांग किया, अब दिवाली में अपना गाड़ी खरीदा, धनतेरस दिन बुलेट खरीदे, बुलेट कोई बेटा बोला कि पैसा मांग रहे हैं। और वाइफ को सर बेल्ट और वाइफ को ही तो सर पूरा जान मार दो, मर ही जाती सर, वो तो भैया लोग आके बचा लिए, हम लोग हटा दिए। वही आशू कॉलोनी बिरसा नगर उड़िया स्कूल से आशू कॉलोनी में उनका घर है, मेरे घर के जो पहले पूर्व घर था उसके बगल वाला ही घर उसका है। वही जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस एरिया में एक व्यवसायी के घर पर डकैती की योजना बना रहे 6 अपराध कर्मियों को पुलिस ने निको पार्क के पार्किंग से गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 बोलेरो गाड़ी और मोबाइल फोन समेत 2 पुलिस वर्दी जब्त किया गया है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस एरिया में किसी व्यवसायी के घर डकैती की योजना को लेकर जुबली पार्क के आसपास कुछ अपराध कर्मियों का जुटान हुआ है। इस पर पुलिस ने त्वरित रूप से छापेमारी दल का गठन किया, साथ ही निको पार्क के समीप पार्किंग स्थल में छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक अपराधकर्मी प्रभास मुखर्जी ही उक्त व्यवसायी के पास मैनेजर का काम करता था और उसी ने डकैती की योजना बाकियों के साथ मिलकर बनाई थी। गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों में रमेश महतो, मनीष सिंह, महेश सिंह मुंडा, अमृतलाल सिंह, प्रभास मुखर्जी एवं बबलू लोहार का नाम शामिल है। फिलहाल पुलिस ने सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपराधकर्मी थे, उनके द्वारा जो योजना बनाई गई थी वो योजना ये थी कि पुलिस की वर्दी भी इनके पास से बरामद हुई है कि पुलिस के भेष में जाकर के वो एंट्री लेंगे घर के अंदर में और उसके बाद वहाँ पर लूटपाट की घटना को अंजाम देंगे। और ऐसा एक दो मामले ऐसे पहले भी जिले में रिपोर्ट हुए हैं, प्रतिविधित हुए हैं, जहाँ पर कि किसी अन्य एजेंसी का, पुलिस का या फिर किसी अन्य एजेंसी का भेष धारण कर करके इस प्रकार की आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया और इसी प्रकार की एक कोशिश ये भी थी जिसको कि ससमय पुलिस के द्वारा टाला गया। और पुलिस इस प्रकार का जो भी इम्पर्सोनेशन का या किसी और एजेंसी का स्वांग करते हुए अगर एंट्री करने का प्रयास करने का कोई भी आपराधिक गिरोह प्रयास करता है तो उसकी सूचना को लगातार पुलिस संकलित कर रही है और इस प्रकार के किसी भी गिरोह को किसी भी सूरत में हम लोगों के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा और ये कार्रवाई जारी है। और सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य धाम मंदिर में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर नमन किया। छठ पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभूतपूर्व उदाहरण है जिसमें लगने वाली सभी सामग्री सभी समुदायों से आती है। यह बात उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर सूर्य धाम मंदिर में कही। वह प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य धाम मंदिर पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर नमन किया। उन्होंने कहा कि सूर्य तेज और शक्ति का प्रतीक है। हम भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि संवैधानिक पद पर रहकर मानव कल्याण का कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि सूर्य देवता पूरे भारतवर्ष को एक नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे। सूर्य शक्ति, प्रकाश और तेज का प्रतीक है। तो मैंने भी आराधना की भगवान सूर्य से कितनी शक्ति दे कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए झारखंड और उड़ीसा की सेवा। वहीं जेमको स्थित छठ घाट में सैकड़ों की संख्या में छठ व्रतधारी सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए। इस अवसर पर अनिल प्रकाश, डी के पांडे, करणदीप सिंह, महेश समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। उधर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने छठ पूजा के सुबह के अर्घ्य के अवसर पर स्वर्णरेखा नदी घाट का जायजा लिया। चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्वक संपन्न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी घाटों पर श्रद्धालुओं एवं व्रतियों के लिए व्यापक सुविधा और सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। उन्होंने सभी घाटों पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, नगर निकायों, विद्युत, सुगम यातायात, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों के मेहनत और समर्पण की सराहना की। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने छठ महापर्व के शांतिपूर्ण एवं श्रद्धापूर्वक संपन्न होने पर प्रशासन व पुलिस के पदाधिकारी, लाइन डिपार्टमेंट, केंद्रीय शांति समिति, श्रद्धालुओं और समस्त जिला वासियों को उनके परस्पर सहयोग के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने छठ घाटों के निरीक्षण के क्रम में विधि व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर सिटी SP मुकेश लुणायत, SDM थालबम पीयूष सिन्हा, ADM लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, नगर निकायों के पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आजाद नगर रोड नंबर 17 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित कांग्रेस नेत्री शबाना परवीन के आवास पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उषा यादव समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंदिरा गांधी के जन्मदिन है और हम लोग चाहते हैं कि इससे बड़ा बड़ा प्रोग्राम करें और हम लोग राहुल गांधी जी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग का सबका तहे दिल से ये दुआ है कि वो जीते। मेरा नाम शबाना परवीन है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है ना चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की RPM तेज जो भागे। The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार,
सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। छठ पूजा के शुभ अवसर पर खटीक समाज की ओर से छठ व्रतधारी के लिए फल, फूल, दूध, अगरबत्ती, चाय एवं प्रसाद का निःशुल्क वितरण किया गया। खटीक समाज की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ शिविर का आयोजन किया गया। छठ शिविर में सभी छठ व्रतधारी के लिए फल, फूल, दूध, अगरबत्ती, चाय एवं प्रसाद का व्यवस्था किया गया। खटीक समाज पिछले 15 सालों से लगभग 5000 से लेकर 10000 तक छठ व्रतधारियों के लिए प्रसाद वितरण का आयोजन करते आई है। आए दिन अपनी सेवा समर्पण भाव के रूप में करता है। उन्होंने बताया कि यह सेवा करके वह आशीर्वाद मांगते हैं कि सभी लोग सुखी और संपन्न रहे, ताकि हर वर्ष इस तरह का सामाजिक कार्य का आयोजन कर सके, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, धर्मेंद्र सोनकर, राजकुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह के साथ सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। बन्ना गुप्ता जी के सहयोग, मतलब उनके सहयोग से हो रहा है ये नव युवक संघ। और दसों सालों से हम ये खीर, पूरी, बुनिया, ये सब का हम वितरण करते हैं, निःशुल्क वितरण करते हैं, जो कि हम 5000 से 10000 जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन करवाते हैं। छठ पर्व के मद्देनजर मानगो चौक के समीप ABVP एवं शुभम फैंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क पूजन सामग्री वितरण शिविर का आयोजन किया गया। छठ के महापर्व पर निशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें आम का दातुन, अगरबत्ती, माचिस और दूध का वितरण किया जा रहा है। मानगो सोने रेखा छठ घाट के समीप राष्ट्रीय जनता दल की ओर से निशुल्क पूजन सामग्री वितरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है और राष्ट्रीय जनता दल बढ़ चढ़ के हम लोग चाहेंगे कि जितना भी हो सके श्रद्धालुओं के लिए सेवा का अवसर हम लोग मिले। जमशेदपुर ईस्ट प्लांट बस्ती में हुए गोली कांड में घायल प्रवेश कुमार के इलाज के लिए तेलको गोविंदपुर के रहने वाले युवा समाज सेवी बंटी सिंह ने बेहतर इलाज के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही बंटी सिंह ने घायल प्रवेश के परिजनों को आश्वासन दिया कि वह आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हर संभव मदद करेंगे। आपको बता दें, अभी प्रवेश को इलाज के लिए कोलकाता लेकर जा रहे हैं। अभी तक उन्हें कहीं से भी किसी तरह का कोई आर्थिक मदद नहीं मिला है। वहीं आर्थिक सहयोग मिलने पर परिजनों ने समाज सेवी बंटी सिंह का आभार प्रकट किया। विगत दिनों यहाँ एक घटना घटी थी, जिसमें एक निर्दोष बच्चे को गोली लग गई थी, जिसका झगड़ा से कोई भी लेना देना नहीं था और वो अपने परिवार का एक ही बेटा था और परिवार का आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो उसका पिछले कई दिनों से, 3-4 दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन TMH के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि इनको बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाना होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं थे। फिलहाल कई जगह से उन्हें आश्वासन मिला था कि मदद होगा, लेकिन कहीं से भी मिल नहीं पाया था। तो अशोक जी हमारे बड़े भाई हैं जो स्प्लान बस्ती में रहते हैं, उन्होंने कल मुझे जानकारी दिया कि ऐसे ऐसे बच्चा को वो बाहर लेके जाना है, तो उसके लिए कुछ आर्थिक अगर सहयोग हो जाता, चूँकि आप सब जगह करते हैं। तो मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मैं आज सुबह अभी आप लोगों के सामने हूँ आया और परिवार को 50,000 रुपया नगद दिया हूँ और आगे भी उन्हें भरोसा दिलाया हूँ कि अगर जितना हो सकेगा मैं मदद करूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए। और सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा छठ महापर्व के मौके पर भव्य भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी सिंगर निशा पांडे और ममता रावत ने एक से बढ़कर एक छठ गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोग भी भजन संध्या कार्यक्रम में पहुंचे और छठ मैया के गीतों को सुना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
ओलीडी में छठ पूजा मनाने गए परिवार के घर में लाखों की चोरी। वहीं जुगसलाई के एक घर से चोरों ने 1 लाख रुपए नगद समेत 10 लाख के गहने ले उड़े चोर। उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा का हुआ समापन। बिरसा नगर में आपसी विवाद में हुई जमकर मारपीट, 3 घायल एमजीएम में भर्ती। और डकैती की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने निको पार्क के पार्किंग से किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल, 1 बोलेरो, मोबाइल समेत 2 पुलिस की वर्दी जब्त। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।